ये भी इन्हें कहाँ रख दूँ मैं? हमारी नहीं बुआ और कहाँ? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। वाओ दादी, आपको पता है आप दुनिया की बेस्ट दादी हैं। हर साल इतना जबरदस्त अरेंजमेंट। भाई हमारी बीबी जान वक्त के साथ साथ चलती हैं। That's true. दादो बिल्कुल up to date हैं। जी बीबी, ये तो मानना ही पड़ेगा, आपकी तो बात ही कुछ और है। भाई मेरे बच्चे इतने अच्छे, मैं क्या करूं? हम आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये लीजिए भाई आखिरी तोहफा, मैं वही रखूंगी। अच्छा ठीक है भाई, अब मेरी तारीफ बंद करो और उस्मान से बात करवाओ। जी आइए बुआ, आप भी बैठे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। कैसे हैं आप सब? हम लोग ठीक हैं। ये बताओ ऐमन कहाँ है? ऐमन आ जाओ। Happy birthday, Aman. Thanks, thanks. Happy birthday, Arman. Thank you. अच्छा चलो दोनों इकट्ठे केक काटो। तुम्हारा कौन सा केक है भाई? चॉकलेट। Okay, one, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday, Aman and Arman. Happy birthday to you. Thank you. Yum. Bibi, your gift. यहाँ रखा है, जब खुदा होगी तो मिलेगा। ओ भाई उस्मान, अब तुम वापस पाकिस्तान आ जाओ, बहुत हो गया है। नहीं ये नहीं आता है, तब आता है जब मैं बीमार होती हूँ और वो भी अकेले। कुछ करना पड़ेगा मुझे अब। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, इंशाल्लाह आपके मैं जरूर आऊंगा। मैंने अपनी ऐमन से वादा जो कर लिया है, लेकिन आपके खुशियों में आएंगे और सबके साथ आएंगे। बस फरियाल की शादी की डेट फिक्स हो जाए तो फरियाल की शादी में आएंगे। देखिए बीबी मैंने मना लिया है, आई डिड इट। और राबे चाची बिल्कुल वैसी जैसे आपने कहा था। अरे अपना सीक्रेट थोड़ी बताते। तो आपने समझाया था इन सबको? जी उस्मान भाई, बस अब आप लोग जल्दी से आ जाएं। मैं सबको केक देती हूँ। वो आप प्लेटें देना। Thank you.
क्या बचपना है, फोन वापस दो। बचपना ये है या एमन की तस्वीरें छुप छुप के देखना, वो बचपना है? अगर दादी ने सुन लिया तो अच्छी बात है ना, आपकी ये रुकी हुई लव स्टोरी थोड़ी आगे तो बढ़ेगी। फरियाल, अब सच्ची के कान खींचूंगा मैं तुम्हारे। तुम्हें पता है मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। पहले मैं एमन से खुद मिलूंगा, बात करूंगा, फिर मैं सारी दुनिया को मना लूंगा। तुम्हें पता है फरियाल, मुझे आज तक याद है, वो जब जा रही थी वो बहुत उदास थी, और शायद मैं भी बहुत उदास था। जाहिर है बचपन के दोस्त हैं हम लोग, इतना कुछ शेयर करती थी वो, इतनी किताबें पढ़ी हैं हम लोगों ने साथ में। बस मैं सोचता हूँ कि सारी मेमोरीज उसके लिए भी इतनी प्रेशियस होंगी जितनी मेरे लिए हैं। तो ये बातें उससे पूछनी है कि उसको बतानी है? आजकल कबूतर तो भेजे नहीं जाते, फोन्स यूज होते हैं, तो एक कॉल करके उससे सब ये बातें कर लें, सिंपल एंड ईजी। मैं उससे सारी बातें तब करना चाहता हूँ जब वो मेरे आमने सामने हो। मुझे आपकी इस लव स्टोरी की बिल्कुल समझ में नहीं आती। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कोई इतना प्यार किसी से कर कैसे सकता है। पता नहीं, लेकिन हाँ मैं करता हूँ ये बता सकता हूँ। यूर होपलेस भाई, पकड़े अपना फोन, मुझे सर्दी लग रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। कभी हम खूबसूरत थे, कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की मानिंद सांस साकिन थी, बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाती थी। खामोश क्यों हो गई, इतना अच्छा तो गा रही थी। यू साउंड सो नाइस। थैंक्स डैडी। ये क्या है? तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, खोलो खोलो। ओह माय गॉड, परवीन शाके। यस, रोमन में। तुम्हें मालूम है ये सब रोमन में मैंने खुद किया है। फॉर यू माई डार्लिंग, आई लव यू फॉर दिस, एनीथिंग फॉर यू मेरा बच्चा। तो पाकिस्तान चलें? अभी आपने बोला एनीथिंग फॉर यू। एमन, पाकिस्तान जाने के लिए मुझे बहुत हिम्मत करनी होगी। एमन, जिस डैडी ने अपनी बेटी को इतना बहादुर बनाया है, इतना प्रैक्टिकल बनाया है, वो सिर्फ एक बात पे तभी कैसे पढ़ सकते हैं? तुम नहीं समझोगी बेटा, ये जो गिल्ट होता है ना एक भाई को दूसरे भाई के मरने का, राबिया भाभी की वो खाली खाली आंखें आज तक मैं नहीं भूला हूं। मैं भी नहीं भूली, आई वॉज 13। उन्होंने तो आपको कुछ कहा भी नहीं था। यही तो बात है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। काश वो कुछ कहती, चीखती चिल्लाती, मारती मुझे, लेकिन राबिया भाभी खामोश रही। उनकी वो खामोशी आज तक मेरे कानों में चीखती रहती है। भाभी का सामना करने के लिए मुझे बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं हूं ना आपकी हिम्मत, बोल माँ। नो प्रॉमिसेस बेटा, बट आई विल ट्राई। आह, यहां हैं आप दोनों। आई हैव बीन लुकिंग एवरीवेयर फॉर यू। Thanks. Mama, see, Daddy gave this to me. Aha, book दे दी। ये नहीं बताया आइडिया किसका था? सारा क्रेडिट आप लेके जाने वाले थे। The credit goes to, as usual, to your mama. वैसे इनके साथ क्रेडिट शेयर करने का मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। दुनिया में अगर कोई बेस्ट कंपेनियन है तो ये है। Okay, thank you. I am flattered. Oh my God, आप तो कितने cute हैं, made for each other. But Usman, today is laundry day. और आपकी बारी है to do the clothes. चलें, let's go. Hey,
आपने इतना तकल्लुफ किया, यानी कि शादी की तारीख पक्की करनी भी एक इवेंट बन गई है। कैसी बातें कर रही हैं सुहाना बेगम, आखिर बेटी को घर ले जाना है तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मेरे ख्याल में शादी के कार्ड का डिजाइन भी फाइनल ही कर लें आज ही। तो फिर अगले महीने की 27 तारीख पक्की, हमारी तरफ से भी पक्की। क्यों शहजाद, ठीक है? अरे अंकल, इससे क्या पूछे, इसका तो बस चले शादी करके अभी ले जाए। सुहाना बेगम, उस्मान तो आ रहे हैं ना? जी इंशाल्लाह, इसीलिए तारीख जरा आगे रखी है। अब देखिए, वादा किया उसने और जब वादा करता है तो पूरा करता है। भाई मुंह तो मीठा कराओ। राबिया तुम बैठो, बैठो, मैं देती हूँ, तुम बैठो। बीबी आपने बुलाया, खैरियत? खैरियत नहीं है सलमान, इसलिए बुलाया तुम्हें। तुम ऐसा बेटा, ये क्या रवैया था राबिया के साथ आज फरियाल की बात पक्की होने पे? ऐसे अचंभे से क्या देख रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने मिठाई की प्लेट राबिया के हाथ से क्यों खींची थी? एक तो मेरी हर बात बुरी बन जाती है इस घर में। मुझे खुशी थी तो मेरा दिल चाह के मैं सबको मिठाई दूँ अपनी बेटी की। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि फरियाल राबिया की बेटी नहीं है? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं बोला बीबी। तो और क्या बोला है तुमने? मैं सब जानती हूँ, लेकिन ये गलत है। इतना भी गलत नहीं है बीबी, घर की पहली खुशी है और राबिया पहली मिठाई एक बेवा के हाथ। देखो, तुम्हारे घर में ये सब बातें होती होंगी, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। आज तक अगर राबिया उमर के नाम पे घर बैठी हुई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह तुम। मैं जानती हूं कि उमर का सारा कारोबार राबिया के नाम पर है और इसी की वजह से तुमने उसको दोबारा शादी नहीं करने दी। अगर मेरे बस में होता तो कब से मैंने इसकी जिंदगी में रंग भर दिए होते। मैं खामोश नहीं हूं, लेकिन कब तक? खुदा के लिए आप लोग लड़ना छोड़ दें बीबी, प्लीज। ये सलमान भाई की वजह से नहीं है, मैं खुद नहीं चाहती थी। और भाभी मेरे ख्याल से आप सही कह रही हैं, पहली खुशी में बेटा ये सब बातें मैं नहीं मानती। अच्छा, और रुमैसा, मैं संजीदगी से कह रही हूं, आइंदा इस तरह राबिया को जलील मत करना। अरे बेटा मुझे भी तो दिखाओ ना ये कार्ड। वेट, मुझे तो देखने दे। ओह माय गॉड, इट्स सो प्रिटी मामा, लुक एट दिस, कितना प्यारा है। आसमान, इट्स ब्यूटीफुल। अरे यार, तुम दोनों कार्ड की खूबसूरती देखते रहोगे या शादी की डेट भी देखोगे? डैडी हम जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, प्रॉमिस? प्रॉमिस बाबा प्रॉमिस, लेकिन मुझे डेट तो बताओ। 25th है। ओके, बीबी को कॉल कर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। कार्ड मिला? आपको कैसे पता चला कि कार्ड अभी अभी हमारे हाथों में आया है? और हमारी एमन तो खुशी से पागल हो रही है। और होना भी चाहिए उसे। अच्छा बताओ, आ रहे हो ना? बीबी मैंने जब भी आपसे वादा किया है हमेशा पूरा करता हूँ। पक्का आ रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी तो 25 दिन पड़े हैं। तो क्या मतलब आखिरी वक्त पे पहुँचोगे? जी बीबी, कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। असल में यहाँ पे काम बहुत है, इतनी जल्दी यूं निकलना आसान नहीं है। बहाने बना रहे हो अब है? अब देख लो, आओगे तो हाथ लगाने के लिए मत आना भाई, प्लीज। हाँ आओ तो कम से कम महीना दो महीना तो रुको ना। तुम जानते हो बेटा मैं कितना तरस रही हूँ तुम लोगों को मिलने के लिए। बेबी आप भी तो जिद लगा के रखती है ना। मैंने आपको कितनी मर्तबा कहा है कि आप यहाँ आ जाए हमारे पास, लेकिन आप में अब्बू का वो जो मुहिब्बे वतन जज्बा है ना, कूट कूट के भरा हुआ है। भाई ये जज्बा तुम्हारे अब्बा ने मुझे दिया, मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन तुमको तो नहीं रोका ना? नहीं बीबी, आपने तो नहीं रोका, लेकिन हालात ने रोक दिया। हालात की शर्तों के आगे मैं हार गया। जिंदगी शर्तों पे नहीं चलती, और रिश्ते जो होते हैं ना उनको अपनी मर्जी से अगर रहने दो तो वो खुली हवा में सांस लेते हैं, खूब पनपते हैं।
लेकिन अगर रिश्तों पे जबरदस्ती आयद हो जाए ना तो फिर उनका दम घुटता है। ये तुम्हारे अब्बा ने मुझे सिखाया और यही सब मैंने आगे तुम लोगों को सिखाया, इसलिए मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया। मैं जानती थी कि हालात की शर्तों को तुम एक दिन खुद हरा दोगे। मैं जानता हूँ बीबी, लेकिन आप जैसी माँ का मिलना भी आसान नहीं है। आज मैं और सिरा जो इतने खुश हैं, सब आपकी दुआएं हैं। नहीं बेटा, ये सब किस्मत के चक्कर हैं, और सिरा है ही इतनी अच्छी, इसीलिए तुम दोनों खुश हो। बस बीबी, मुझे आपकी दुआएं चाहिए। मैं अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ। जानता हूँ बीबी, लेकिन लेकिन अब बस करो। अच्छा, फौरन अपनी टिकट विकेट डिसाइड करो और बताओ कब आ रहे हो। अच्छा बीबी, मैं एक काम करता हूँ, मैं एमन को आपके पास जल्दी भिजवा देता हूँ। कल? अरे बीबी हौसला रखें, फ्लाइट तो चेक कर लेने दें। मेरे ख्याल में परसों शायद कोई फ्लाइट है, और सिरा और मैं शादी से 2 या 3 दिन मैक्सिमम पहले आ जाएंगे। बेटा लेकिन बीबी, मैं उसके बाद आपके पास रुकूंगा ना, ताकि अच्छी तरह आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। चलो ये भी अच्छा फैसला। डैडी मुझे फोन दें, मैं बीबी से बात करूं। बीबी ये ले, एमन से बात करें। सलाम बीबी। जीती रहो बेटा, जीती रहो, बस जल्दी से आ जाओ और अपने अब्बा से वादा लेकर आओ कि वो जल्दी आएंगे। अच्छा अच्छा मेरी बात सुने, मैं अपनी सारी तैयारी वहीं आकर करूंगी। हाँ बेटा, यहाँ अरमान और फरियाल है ना तुम्हें मदद करने के लिए, सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र ही ना करो। ओह माय गॉड, मैं अरमान से भी मिलूंगी, कितना लड़ता था मुझसे बचपन में। वो छोटा था, अब नहीं लड़ेगा। अच्छा बीवी, मैं अपनी तैयारी करती हूँ ताकि मैं जल्दी से आपके पास आऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जीती रहो मेरी जान, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चादर मैली है क्या? जब आपको पता है कि मुझे वहम होता है तो क्यों तंग करते हैं मुझे? देखो ये वहम अच्छी चीज नहीं होती है, बीमारी है ये। कोई बीमारी नहीं है मुझे, बस आदत है मेरी। अच्छा छोड़ें, और ये आपकी गेम बंद नहीं हो सकती, ऐसी दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा देखो, तुम खुश रहा करो, पानी पियो, जूस पिया करो, ये गेम खेला करो, इससे मूड चेंज हो जाएगा। आप तो मेरी हर बात मजाक में टाल दें। मेरी बहन शादी पे नहीं आ रही तो किसी को कोई परवाह नहीं, लेकिन एमन का आना बहुत जरूरी है। कमाल है, तुम इस तरह क्यों कंपैरिजन करती हो? मसला तुम्हारी बहन का नहीं है, उनके शौहर का है, जो हर बात पे मसला बना देते हैं। जिसने आना ही नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है? और ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है ना। उस्मान आ रहा है, कैसे आ रहा है तुम अच्छी तरह से जानती हो। एमन ने मनाया उसे। हाँ बस मैं गलत हूं, आप ठीक कह रहे हो। हाँ मैं ठीक कह रहा हूं। क्या हो गया तुम्हें, क्यों इस घर में बेसुकूनी फैला रही हो? तुम्हारी सास ठीक है, तुम्हारी औलाद अच्छी है, फिर ये इस तरह की बेतुकी सी। बेतुकी? अब मेरी बातें बेतुकी हो गई? एमन ना हो गई, पता नहीं क्या हो गया। एमन एमन एमन, बीबी की जबान पे बस उसी का विरत है। शादी मेरी बेटी की हो रही है, लेकिन फिक्र सिर्फ एमन की है। एक एमन उनकी चाहिए थी और दूसरी ड्रापिया। वैसे हद हो गई है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि एमन की क्या अहमियत है बीबी की जिंदगी में और हम सब की। उस्मान को जिंदगी में वापस लाने वाली वो है, उसकी जिंदगी में किरण बिखेरने वाली वो है। उस हादसे के बाद सब कुछ गलत हो गया था, एमन ने तो ठीक किया है, फिर क्यों नहीं होगी उसकी अहमियत यहां पे? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है उस बच्ची से। और जहां तक राबिया की बात है, आप जानती हैं कितनी मुश्किलों से गुजरी है वो उमर की डेथ के बाद। तो क्यों नहीं होने दी उसकी शादी, आप ही ने तो रोका है। अपनी गलती का तो कोई हिसाब किताब नहीं, बस मैं ही एक पागल हूं, एक शैतान हूं मैं इस घर में, बाकी सब फरिश्ते। सुनाए आ रही हो?
बस अब जल्दी आ जाओ मैं, और इंतजार नहीं होता मुझसे। और अगर ना आई तो? तो मैं इस बार वहीं आ जाऊंगा और बड़े डैडी के सामने तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी पहना दूंगा। अभी से इतनी मायूसी कहते तो नहीं जाती हूँ। सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी 100%। तो सारी जिंदगी मुझे मिस करना। क्या हुआ बेटा, डर क्यों गई? नहीं डैडी। कैरी ऑन, फोन क्यों बंद कर दिया? वो हाथ लग गया था, मैं कर लूंगी अभी। एमिन, बेटा, is there anything you'd like to share with me? No, daddy, nothing. देखो बेटा, तुम मेरा मान हो, and I really love you. किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, okay? I know it. मेरा बच्चा, क्या खा रही हो? बॉयल्ड राइस है, साथ में चाइनीज है। एंजॉय। ओके। उस्मान, इज एवरीथिंग ओके? आई गेस ठीक है। नहीं, मुझे लग रहा है कुछ है। क्या हुआ है बताएं? तुम्हें कभी ऐसा लगा कि एमन को कोई पसंद है? No, never. क्यों पूछ रहा है मुझसे ये? Because मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। That's not possible. वो इतनी क्लोज है हमसे, वो तो ये भी नहीं छुपा सकती कि what she had for lunch. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ। अच्छा, don't worry about it. अभी जाने पे फोकस करते हैं, मैं वहां जाके उस पर नजर रखूंगी एंड मौका मिलते पूछ भी लूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उस्मान, प्लीज, आप जानते हैं, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। उस हादसे में आपका कोई कसूर नहीं था, आपने अपने भाई को जान के नहीं मारा। राबिया भाभी जब मेरे सामने आती है, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। वो हमेशा कहती थी कि मैं बहुत रैश ड्राइविंग करता हूं और मैं हंस के उनकी बात इग्नोर कर दिया करता था। उसी रैश ड्राइविंग के बाद अपने भाई को मार डाला। नहीं उस्मान, राबिया भाभी ऐसे नहीं सोचती हैं, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। बीबी भी यही समझाती है ना आपको? लेकिन उस घर के हर कोने में हमारी यादें हैं। उस्मान, I believe कि जो यादें हमें तकलीफ देती हैं ना, हम अगर उनको खुदा की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लें, तो वो तकलीफ देना बंद कर देती हैं। You're my only support. And I will always be. बड़ा गिटार शिटार ट्यून किया जा रहा है, लगता है किसी के आने की बहुत खुशी है। हाँ, बाबा ने बताया वो आ रहे हैं। वो कौन? मैं तो शादी की बात कर रही थी। अच्छा, वो मैं समझा के क्या? अच्छा, चाइल्डहुड फ्रेंड के आने की कोई खुशी नहीं है, एमन के आने की बहुत खुशी है। तुम्हें किसने बोला मुझे शादी के आने की खुशी नहीं है? मेरे प्यारे भाई, आप बहुत क्यूट से आलू हैं। क्या कर रही हो? अपने आलू को तंग कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं, आप उसे लेने एयरपोर्ट नहीं जाएंगे? नहीं, घर पे वेलकम करूंगा। हाय, शादी से इतना प्यार। अच्छा अच्छा, सर चले, इतना गिटार ट्यून किया, मुझे भी कुछ सुनाता है। क्या सुनोगी? आपको गाना आता भी है? अच्छा अच्छा अच्छा, प्लीज, सॉरी सॉरी। अच्छा, एक दफा
अब नहीं। अच्छा प्लीज प्लीज भाई। I mean, ये क्या कॉटन शर्ट्स टी-शर्ट्स ये कपड़े ले जाओगी पाकिस्तान? मामा दिस बड़ा है। तुम्हारे डैडी भी ना इतने जल्दी सारा प्लान बनाए कि मैं तुम्हें शॉपिंग भी नहीं ले जा सकी। मामा वहाँ अरमान है, फरियाल है, दिल टेक मी शॉपिंग। I'm so excited. मुझे फैमिली बॉन्ड्स इतने अच्छे लगते हैं, बड़े डैडी, बड़ी मामा, बीबी, बुआ, कजिन्स, कितना मजा आएगा। बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हें पता है मैंने उस्मान से इसीलिए शादी की थी कि बड़ी सी फैमिली में रहूंगी उनके साथ मिलके, बट एक्सीडेंट के बाद ही चोज टू कम हियर। आई नो डैडी कहाँ भूले, उम्र जा चुकी, डेथ नहीं, वो सारी यादें वहीं छोड़ा, इसलिए वहां जाना उनके लिए इतने तकलीफ दे। एंड स्पेशली जब वो राबिया भाभी को देखते हैं ना तो वो अपने आप को उनका गुनहगार समझते हैं। हाँ लेकिन डैडी का तो कोई कसूर नहीं था। हाँ सिर्फ इतना फॉल्ट था कि ही वाज ड्राइविंग द कार, उमर भाई साथ बैठे थे, इसलिए तो ही कैन नेवर फॉरगिव हिमसेल्फ। डोंट वरी वो घर आएंगे ना तो मैं उन्हें सोचने का टाइम ही नहीं दूंगी। हाँ वो तो ठीक है लेकिन फॉर गॉड सेक वहां जाके सबसे पहले ढंग की शॉपिंग करना। ओके अब क्या हुआ? एमिन मैं सोच रही हूँ तुम पाकिस्तान जाके अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना। क्या? हाँ इट्स ओके, मैं चाहती हूँ तुम पाकिस्तान में सेटल हो जाओ। फॉर गॉड सेक मामा। चिढ़ क्यों रही हो? इज देयर समवन हियर जिसे पसंद करती हो? मैं पसंद करूंगी ना तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ग्रेट, इसका मतलब है कि तुम पाकिस्तान जाके शादी करके सेटल करने के लिए तैयार हो। लेट मी जस्ट डू दिस प्लीज। यू नो एमिन तुम वहां चली जाओगी ना तो तुम्हारे पीछे उस्मान भी जरूर आएंगे। सबके लिए प्लानिंग कर रही हैं आप यहाँ? हाँ सिर्फ उसके लिए नहीं, सबके लिए। हैवी हैवी केयरफुल। एमन को एयरपोर्ट कौन लेने जा रहा है? राबिया मेरे ख्याल से तुम चली जाना। नहीं बीबी वो सलमान भाई जाएंगे ना। नहीं बीबी आप और राबिया चले जाए, मुझे सलमान को कुछ और काम कहने हैं। प्रोफेसर मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो एमन के आने पे। नहीं बीबी ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोफेसर देखो तुम घर की बड़ी बहू हो, इस तरह खफा होना मुनासिब नहीं है। मैं जानती हूँ तुम अपनी बहन की वजह से परेशान हो लेकिन उस्मान के आने और उनके ना आने का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और जिसको खफा होना चाहिए वो शायद अब खफा ही नहीं है। बीबी बस मत किया करें ना ये बातें। खुश रहो, बल्कि सब खुश रहो भाई, इस घर में बहुत बड़ा खुशी का मौका है। देखो उस्मान इतने सालों बाद आ रहा है और फरियाल की शादी होने वाली है। तुम चलोगे एयरपोर्ट? जी मैं मैं वो मामा ने कुछ जरूरी काम बोला है मुझे वो करने थे। ठीक है मैं चला जाऊंगा एयरपोर्ट। ठीक है बहुत लोग थे मेहमान मेरे घर लेकिन वो जानता था कि है एहतमाम किस लिए। तोबा है ये कमबख्त ड्राइवर बिल्कुल बेकार है, कोई काम ढंग से नहीं करता, मजाल है जो कोई सही काम करके दे दे। क्यों कोसती रहती हैं उसे बुआ? क्यों कोसती रहती हूँ ये देखिए सब्जी मंगाई थी, ये देख रही कैसी सड़ी सब्जी उठा के लेकर आए, मेरी बात भी तो नहीं सुनता है। उसको तो सिर्फ अपने कपड़ों का ख्याल है, ये नहीं सोचता कि अब साहब वाला माहौल नहीं रहा इस घर में। अरे बुआ साहब चले गए लेकिन घर का माहौल वही है, बस यही जिंदगी है बुआ।
इंशाल्लाह ताला अब ऐसे ही खुशगवार माहौल रहेगा हमारे घर का। आमीन। बीबी जी, ये मैं भाभी को देना चाह रही थी अपनी फरियाल के लिए। अब राबिया, ये तो तुम्हारा है। नहीं मैं क्या हो गया भाभी, फरियाल भी तो अपनी है। मेरे अपने बच्चे नहीं हुए तो क्या हुआ, इन दोनों ने कभी महसूस नहीं होने दिया। और शुक्र है भी मेरे पास तीन सेट, तो एक फरियाल का, एक अरमान का और एक एमन का। शुक्रिया राम, बहुत शुक्रिया। प्लेजर। अगर आपने इतने ही उदास होना था तो आप भी साथ चली जाती। मैं साथ चली जाती तो आपकी सैडनेस को कौन शेयर करता? अपने हस्बैंड के साथ इतना प्यार करना भी अच्छा नहीं होता। कल को मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी। होगा भी तो इकट्ठे होगा, अकेले आप कहीं नहीं जा रहे। आपकी यही बातें अभी भी जान ले लेती हैं। आपको कोई एतराज है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हे उस्मान, मैं एक चीज सोच रही थी, एमन की जब शादी हो जाएगी तो हम इसी तरह अकेले बैठा करेंगे। हाँ वो तो है, लेकिन अचानक ये ख्याल आज आपको कैसे आ गया? I really like अरमान। हाँ? क्या बात कर दी आपने? I'm sorry, आपको बुरी लगी? नहीं नहीं, बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा, बल्कि बुरा इसलिए लगा कि ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। And I think मुझे इसलिए नहीं आया सिरा कि मैं जनरली कजन मैरिजेस का कोई इतना फैन नहीं हूं, लेकिन कम टू थिंक ऑफ इट अरमान मुझे भी बहुत पसंद है। सीरियसली आई मस्ट से इट्स नॉट अ बैड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। मैं पाकिस्तान जाकर बीबी से बात करूंगा। कमबख्त मारे ट्रेन सदा चला जाएगा, मेरी मदद नहीं करेगा क्या? बुआ कितनी बार कहा है ऐसे ना कहा करें, सबसे ज्यादा मदद मैं आपकी करता हूँ इस घर में, फिर भी कहती रहती हैं। बक बक ना कर, फिर भी कहती रहती। ये देख ये सब्जियां, कितनी सड़ी भूसी गाजरें लेके आया, अभी बोले जा रहे हैं। आप बुआ मैं बुढ़ापे की वजह से कुछ नहीं कहता हूँ। क्या क्या है, मैं बूढ़ी हूँ? बूढ़ी होकर तू खुद बूढ़ा बूढ़ा बूढ़ा। और नहीं तो क्या, बुआ कहाँ से बूढ़ी लगती है आपको, हद हो गई है। जरा झुमके शुमके तो चेक करें ना। मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं बुआ, मैं तो कह रही हूँ आप कितनी प्यारी लगती हैं, बस जाके लिपस्टिक थोड़ी सी गहरी कर ले, एमन आने वाली है। मेरा दिल रखने को कह रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी जाके लाल लिपस्टिक लगाती हूँ फिर तुम्हें दिखाती हूँ। अच्छा सुनो, वो रखा है ना सावल, जलना ना पाए, समझ गए? देख लूंगा। अरे बिटिया, मैं सोचता हूँ जब तू इस घर से चली जाएगी तो मुझे बुआ के गुस्से से कौन बचाएगा? एमन आ रही है ना, उसको बोलूंगी, वो बचा लेगी। वो कौन सा कुछ सारी जिंदगी के लिए आ रही है, क्या पता। खुश है ना, आज उस्मान की बेटी आ रही है। आपके उस्मान आएगा ना तो मैं उसको यहीं रोक लूंगी, इतने साल हो गए उसे आए हुए। सही कर रही हूं ना मैं? कभी कहा ही नहीं आपने कि मैं किसी बात पे गलत हूं, तो आज भी ठीक होंगी। लीजिए, हाथ में पकड़े पकड़े बातों में भूल ही गई पहनना। जानती हूं आपको मेरे हाथ में ये चंबेली के फूल कितने पसंद थे। भाई और कितनी देर, ओ माय गॉड, क्या नवाबी तैयारी है। वो बाहर से आ रही है, उसको एक कुर्ते पजामे वाला लड़का समझ नहीं आएगा। तुम नहीं जानती, उसको ऐसे ही कोई पसंद आएगा। मैं जानता हूँ उसको, वो अपने कल्चर के बहुत करीब है। उफ़, ये अनदेखी मोहब्बत। अनदेखी तो नहीं है, मैंने देखा है उसे। 12 साल पहले वो यहाँ से चली गई थी, तब से अपने दिल में आप उसके लिए मोहब्बत लेके बैठे हुए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता इतनी छोटी उम्र में मोहब्बत हो कैसे जाती है। मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारे गले में फटाफट ढोल फिक्स हुआ है ना, ये किसी दिन मरवाएगा मुझे। और प्लीज एमन के सामने इस तरह की कोई बात मत कर देना, पता चला मेरी बनी बनाई दोस्ती भी खराब करवा दी।
मरवाएगा नहीं, आई गेस बचाएगा। बाबा का फोन आया था, वो लोग रास्ते में, इसलिए आप जल्दी नीचे आ जाए। ये चॉकलेट भी ले ली, मैंने सोचा था रिफ्यूज कर देंगे। तुम्हारे लिए सजाया सब कुछ। ब्यूटीफुल। आओ अंदर, सब इंतजार कर रहे, सरप्राइज देता हूँ उन्हें। आ गए भाई, आ गए। आओ आओ, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कितनी प्यारी तैयारी की। अच्छा बस ठीक है ना, मिल लो मुझे। मेरी मामा। अरमान। एमन, ये तौर तरीके यहाँ नहीं चलेंगे। रुमैसा, क्या हो गया है?